अब आप ऐसे करें कि पेज नंबर 52 ओपन करें। हमारे पास अब ये यूनिट है यूनिट 16 मुतजाद अल्फाज, ठीक है। पेज नंबर 52, जिन अल्फाज के मानी जो है एक दूसरे के उलट होते हैं, ठीक है, यानी ऑपोजिट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मुतजाद अल्फाज। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल देख लें कि नेक है, तो उसके हम ऑपोजिट देखेंगे तो क्या होगा? बद, ठीक है। जैसे अंधेरा है तो क्या है? उजाला। जैसे आसमान है, उसका ऑपोजिट हम देखें तो क्या होगा? जमीन। आम इस्तेमाल में जो आने वाले कुछ मुतजाद अल्फाज इसमें लेसन में दिए गए हैं, ठीक है। अब अपनी नोटबुक ओपन करें। मार्जिन लाइन लगाएं, यूनिट का नाम लिखें, इसमें 16 है यूनिट, मुतजाद अल्फाज। पहला है इसमें आगाज, उसका मुतजाद लिखें अंजाम, जुल्मत नूर, कर सॉरी करीब, करीब का है दूर, दूरी, ये कर्व लिखा है, आपने करीब लिखना है, करीब क्या है? दूरी। कुशादा तंग, नफा नुकसान, सहल मुश्किल, हलाल हराम। हलाल हराम, राहत रंज, कमाल जवाल, हरा होटा, खजां बहार। आगे जी, सवाल जवाब, धूप छांव, कुशादा तो रिशा गदा, शाह गदा, तवाना कमजोर, जिल्लत इज्जत, वफादार बेवफा, कबीर सही, सखी कंजूस, ओज पस्ती, जहालत इल, वीरान आबाद, जफा वफा, ये जफा है जे जीम पे अल्फा, जफा वफा, ठोस माया, किल्लत कसरत, फारिग मसरूर, पाक नापाक। अब अजल, गरूब तलू, शरीफ बदमाश, ठीक है। ये जो है आपने मुतजाद अल्फाज से अपनी नोटबुक पे करने हैं। फिर जो है बच्चों इसमें इसकी एक्सरसाइज है, हद कशीदा अल्फाज के मुतजाद से जुमला मुकम्मल, ठीक है। ये जो है आपने बुक के ऊपर ही खुद करने हैं, पेन से कीजिए। एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, नुकसान वाला काम ना करो, डैश वाला काम करो। अब नुकसान के नीचे अंडरलाइन ये हुआ है, अब इसकी जगह आपने इसका मुतजाद लिखा है, ठीक है। नुकसान की ये नुकसान है, तो अब आपने खाली जगह पर में क्या लिखना है? फायदे वाला काम करो, ठीक है। आगे से ये आप जो है खुद आपने करना है, ठीक है, बुक के ऊपर। आगे सवाल नंबर दो है इसमें, कालम अलिफ के मुतजाद अल्फाज बेतरतीबी से कालम बे में दिए, ठीक है। इन्हें तरतीब देकर आपने कालम जी में लिखना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जन्नत है ना, इसमें कालम अलिफ, अब बे में जो है इसके बिल्कुल सामने नहीं लिखा गया है, वो सेकंड लास्ट में लिखा गया है, ठीक है। अब आपने इसको जो है कालम जी में बिल्कुल इसके सामने लिखना है। जन्नत का क्या है? दोजक है ना, अब वो जीम में नंबर फर्स्ट पे आएगा, ठीक है। ये आपने इसी के ऊपर करना है। अब जो है सवाल नंबर तीन जो है मुतजाद लिखने, ये वाले जो है मैंने आपको ये सारे अभी करवा दू, ठीक है, इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको करवा दू।
ठीक है बच्चों, आज हमने दो यूनिट किए हैं, एक वाहिद जमा वाला यूनिट 14 और एक 16 मुतजाद वाला। यह वाला काम आपने जो बुक पे है बुक पे करना है, और जो नोटबुक के नोटबुक पे मैंने करवाया है वो नोटबुक पे कीजिए। ठीक है, सफाई से काम करना है और इन्हें याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।